मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसका औपचारिक ऐलान भी आने वाले दिनों में लखनऊ में हो सकता है। सिबगतुल्ला अंसारी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से गाजीपुर की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट मोहम्मदाबाद पर नए सियासी समीकरणों के उभरने की बात कही जा रही है। वहीं पहले से SP के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद रखने वालों को निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से राजनीतिक हलके में चर्चा भी थी कि अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी में 2022 के UP विधानसभा चुनाव के पहले शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अफजल अंसारी BSP के साथ बने रहेंगे। अभी अंसारी बंधुओं में सबसे बड़े सिबगतुल्ला अंसारी SP ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो लखनऊ में ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले अंसारी बंधु अपनी पार्टी कौमी एकता दल से असेंबली चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लेते हुए SP में शामिल हो गए थे। बाद में अखिलेश यादव के ऐतराज के बाद उन्होंने SP से अलग होकर BSP में शामिल होना पड़ा था। वहीं आपको बता दें, मोहम्मदाबाद विधानसभा अंसारी परिवार का होम टर्फ है। इस सीट से वर्तमान में BJP की अलका राय सिटिंग MLA है। मोहम्मदाबाद विधानसभा में 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर ये चर्चा है कि अगर BJP के टिकट से अलका राय चुनाव लड़ेगी तो सूरत में सिबगतुल्ला अंसारी SP के टिकट पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर अलका राय अपने बेटे पीयूष राय को राजनीति में लाने वाली है, लॉन्च करने वाली है, तो वो मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़वाने का फैसला किया गया है। तो ऐसे में मोहम्मदाबाद सीट से सिबगतुल्ला अंसारी अपने बेटे शोएब अंसारी को चुनाव में लड़वा सकते हैं। इन्हीं सिलसिले में आपको बता दें कि सिबगतुल्ला अंसारी पेशे से अध्यापक रहे हैं। तीनों भाइयों में सबसे बड़े सिबगतुल्ला अंसारी दो बार विधायक भी रह चुके हैं। गाजीपुर की सियासत पर नज़दीकी से निगाह रखने वालों की माने तो उनमें SP में शामिल होने के साथ मोहम्मदाबाद सीट पर पहले से SP के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जाहिर है कि सिबगतुल्ला अंसारी अगर SP में शामिल होते हैं तो वो अपने मन माफिक सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर सभी पहलुओं पर आश्वस्त होने के बाद ही शामिल होंगे। ऐसे में इलाके के राजनीतिक माहौल में नए तरह का सियासी समीकरण तैयार होगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.